सावनेर नागपुर रोड स्थित पामकोट लॉन के पास सामाजिक कार्यकर्ता हितेश बंसोड़ को सड़क पर एक अज्ञात वाहन से घायल एक कुत्ता घायल अवस्था में दिखाई पड़ने पर उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से उस घायल श्वान को इलाज हेतु सावनेर पशु वैद्य के चिकित्सालय अस्पताल ले गए। वहां उपस्थित डॉक्टर और सहकर्मियों ने उसका इलाज करने से आनाकानी दिखाई। ऐसे में समाज सेवी हितेश बंसोड़ द्वारा उक्त सूचना पत्रकार भाइयों को देने पर उपचार हेतु लगने वाली दवाओं की पर्ची थमाते हुए उन्हें दवा लाने रवाना कर दवा लाने से पहले ही उक्त श्वान का प्राथमिक उपचार कर उसे कचरे में फेंके जाने की घटना उजागर होने से पशु प्रेमियों में रोष व्याप्त है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस घायल श्वान को रखने का कोई इंतजाम नहीं है, इसे आप ले जाओ और रोजाना इलाज हेतु लाने की बात कही। हालांकि पशु चिकित्सालय मुख्यमंत्री निधि से पशु रुग्णवाहिका उपलब्ध होने पर भी घायल कुत्ते को अगले इलाज हेतु जिला पशु चिकित्सालय भेजने का प्रबंध तक नहीं किया गया। क्षेत्र नेता सुनील बाबू केदार राज्य के पशुपालन मंत्री हैं। उनके ही कार्य क्षेत्र में तालुका स्तर पर काम करने वाले पशु चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हो तो ग्रामीण क्षेत्रों के पशु चिकित्सालयों के क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे स्थानीय संवाददाता ने घटना स्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की तो वहां उपस्थित पशु चिकित्सक डॉक्टर नीता गोड़ बोले, डॉक्टर अंजनकर और सहयोगी अतुल चटप ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमने घायल श्वान का प्राथमिक उपचार कर दिया है, अब हमारी जवाबदारी नहीं, इस घायल श्वान की जवाबदारी कई समाज सेवी या नगर पालिका ले और उसे आगामी इलाज हेतु रोजाना यहां लेकर आने की बात कही तो वहीं नगर प्रशासन के पास भी ऐसी कोई व्यवस्था न होने से घायल श्वान के जान पर बनाई है। पशु वैद्यकीय चिकित्सालय सावनेर में चल रहे कर्मचारी अधिकारियों के रूखे रवैये की समय रहते जांच होकर दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग पशु प्रेमियों द्वारा की जा रही है। तो वहीं पत्रकार दीपक कटारे, उमेश मोरे, रजत रुशिया, राजा फूले, रोशन राउत आदि समाजसेवी घायल श्वान की जान बचाने हेतु प्रयास कर रहे हैं। रोड पे किसी अज्ञात वाहन ने डॉग को उड़ा दिया था, हम उसको जख्मी अवस्था में लेके सावनेर के पशु चिकित्सालय में लेके आए। वहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ के जो अटेंडेंट है उन्होंने साफ उसको हाथ लगाने से मनाई कर दिया कि हमारा काम नहीं है, ये कुत्ता काट सकता है, ऐसा वैसा बोलकर हमको टालने की कोशिश किया। और जब हमने बोला कि यहाँ के मंत्री ही सुनील केदार साहब पशु संवर्धन मंत्री है तो वो मैडम ने डायरेक्ट ही बोला कि आप सुनील केदार साहब को बुलाओ, ऐसी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। यानी यहाँ जो कर्मचारी है इनकी सहवेदनाएं मर गई हैं, पूरी पूरी मर गई है सर। तो आपको कुछ दवाई वगैरह लिख के दिया था? इन्होंने एक टैक्सीमो करके एक दवाई लिख के दिया, जो इंजेक्शन है वो सिर्फ मात्र 23 रुपये की है, वो हमको बाहर से लाके लाने को लगा। जब हमने इनको बोला कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे ऐसी कोई औषध अवेलेबल नहीं है। तो आपने दवा लेके आए, उसके बाद में दवा लेके आने के बाद हमने उनको दिया तो पता चला कि कुत्ते को उन्होंने डॉग को कचरे में फेंक दिया था और नगर परिषद सावनेर इनको बुलाया कि ये कुत्ते को लेके जाओ, हालांकि उसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ में नगर परिषद के कर्मचारी हैं लाला समुद्र। लाला जी, आपको पशु अस्पताल से कुछ फ़ोन आया क्या? हाँ, मुझे ड्राइवर का फ़ोन आया था और मुझे बोले उसके डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा दिया है, बोले उसके बाद में बोले कुत्ते वैसे लेके जाओ बोले, तो मैंने उसको इतना ही शब्द बोला कि कुत्ते को कहाँ लेके जाओ, बोलो जीवित है बोलो, इतना शब्द बोला मैंने। उसके बाद में डॉक्टर का क्या कहना पड़ा? डॉक्टर ने मुझे बात नहीं किया, ड्राइवर ने फोन किया था मुझे।